हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक बुक को डिस्कस करेंगे। बुक का नेम है अडेप्टेशंस ऑफ शेक्सपियर, अ क्रिटिकल एंथोलॉजी ऑफ प्लेज फ्रॉम 17th सेंचुरी टू प्रेजेंट एरा। इसके एडिटर हैं डैनियल फिशलेन एंड मार्क फोर्टियर। ओके, सो आपका पेपर है शेक्सपियर 2, यूनिट नंबर 1 है, सेमेस्टर नंबर 4 है, और ये हम बना रहे हैं एमए इंग्लिश सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में टॉपिक है तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल होगी। लेट्स स्टार्ट। तो ये सिलेबस है। यहां से आपको एक चीज तो पता चल रही होगी कि नहीं, कि ये एक क्रिटिकली ये किसे स्टडी करना चाहता है, किस चीज को, जो शेक्सपियर के अलग अलग प्ले है उनका अडेप्टेशन होता है ना, उन्हें अडेप्ट करके नए तरीके से लिखा जाता है। शेक्सपियर ने जो प्ले लिखे, बाद में कुछ राइटर्स ने उसका अडेप्टेशन किया, यानी कि उसे अलग तरीके से लिखा। कईयों ने वही करेक्टर्स को यूज किया, करेक्टर के नेम को यूज किया, लेकिन स्टोरी को थोड़ा थोड़ा चेंज किया। जैसे डेस्डेमोना लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था। तो 17th सेंचुरी से अडेप्टेशन प्रेजेंट टाइम तक जो चल रहा है, इस अडेप्टेशन में क्या क्या चीजें हुई, कैसे ये चेंज हुआ, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अडेप्टेशन में क्या क्या चीजें थी, ये सारी चीजों के बारे में इस बुक में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है जी। और हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस कहता है कि हमें क्या पढ़ना है, जर्नल इंट्रोडक्शन। 23 पेजेस का जर्नल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस बुक का, वो हमारा सिलेबस है। अदरवाइज ओवरऑल बुक को भी हम डिस्कस करेंगे ही। चलो, तो इसका पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देख लो। पब्लिशिंग ईयर क्या है, 2000, और इसका लिटरेरी योनरा एंथोलॉजी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म। किस लिटरेरी मूवमेंट से जुड़ा है, रेनेसांस से भी जुड़ा है, रिस्टोरेशन से, मॉडर्निज्म से, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सारी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री एंड सिग्नि अच्छा, इसमें पूरे में क्या बात की गई है, पूरे बुक में सेंट्रल पॉइंट क्या है कि हमें हिस्ट्री को ट्रेस करना है, सिग्निफिकेंस को ट्रेस करना है, किसका, शेक्सपियर अडेप्टेशंस, शेक्सपियर के वर्क्स का जो अडेप्टेशन हुआ है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये दो चीजों के ऊपर मेन फोकस है इस पूरी बुक का। अगली चीज क्या है, एवोल्यूशन ऑफ अडेप्टेशन। जो अडेप्टेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ 17th सेंचुरी से लेके आज तक, कैसे कैसे ये चेंज हुआ, नहीं हुआ, शुरू हुआ, खत्म हुआ, सारी चीजें। क्रिटिकल कमेंट्री है। ओके, अच्छा, ये पूरी बुक में जो अलग अलग ऐसे है ना, वो अलग अलग ऐसे अलग अलग अडेप्टेशन जो हुए हैं उनके ऊपर क्रिटिकल कमेंट्री करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं हर एक प्ले का। ओके, कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट दी अडेप्टेशंस, अडेप्टेशन के बारे में सारी चीज है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स राइटर्स एंड अडेप्टेशन अप्रोचेस, ये बताते हैं कि अलग अलग राइटर्स ने अडेप्टेशन जो किया उनकी क्या क्या अप्रोचेस थी, क्या तरीका था। हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी टू डेमोन्स्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ शेक्सपियर अडेप्टेशन, उसके बाद क्रोनोलॉजी बताते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ, किस चीज का इन्फ्लुएंस था और किस चीज का नहीं था, फिर उसके बाद ये इस दिशा में बढ़ा, फिर उस वे में ये आगे बढ़ता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं इसमें, क्रोनोलॉजी बताई गई है अडेप्टेशन की। फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग द ऑन गोइंग एवोल्यूशन ऑफ शेक्सपियर अडेप्टेशन। ओके, तो शेक्सपियर के जो अडेप्टेशंस हैं उनका एवोल्यूशन ओवरऑल इसमें क्या किया गया है, स्टडी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस है किसका, अडेप्टेशंस का। ओके, उसका लिटरेरी सिग्निफिकेंस क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारी चीजें। अभी आ जाओ जर्नल इंट्रोडक्शन, ये हमारा मेन टॉपिक है, इसमें क्या क्या थ्योरीज बताई गई वो हमें समझनी है अभी। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है डिस्कसेस द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर अडेप्टेशन। शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर जो अडेप्टेशन जितने भी हुए हैं उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या उस टाइम पे सोसाइटी में वैसे ही कुछ हो रहा था। जैसे आपको पता है कि क्लियोपेट्रा है, डेस्डेमोना है, ये अलग अलग जो करेक्टर्स को लेके बाद में प्ले लिखे गए हैं, शेक्सपियर के प्ले को ही अडेप्टेशन जिसका किया गया है, तो उस टाइम पे भी तो सोसाइटी में कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना, जिसके कॉन्टेक्स्ट में वो चीज दोबारा लिखी गई, करी गई, वही प्ले को आज के कॉन्टेक्स्ट में दोबारा प्रेजेंट किया जाता है। तो वो ये बता रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था जब इन्हें अडेप्ट किया गया।
एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ अडेप्टेशन इन लिटरेरी एंड कल्चरल डिस्कोर्स, इंट्रोड्यूसेस द थीम्स एंड अप्रोचेस कवर्ड इन द एंथोलॉजी. एंथोलॉजी में कौन से थीम्स और अप्रोचेस को कवर किया गया. शेक्सपियर हिमसेल्फ अडेप्टेड एग्जिस्टिंग मटीरियल्स इन टू न्यू क्रिएशन. ये देखो नई बात होगी जो आप देखोगे कि शेक्सपियर के भी जो प्ले थे ना, वो हर एक प्ले कंप्लीटली ओरिजिनल नहीं था. शेक्सपियर ने भी पुरानी कई प्लेज को या स्टोरीज को अडेप्ट किया था, तो वो भी इसमें जिक्र है. चेंजिंग व्यूज ऑन शेक्सपियर्स ओरिजिनेलिटी एंड द सेंटिटी ऑफ हिज टेक्स्ट. तो एक अलग हमें फिर अप्रोच मिलती है कि शेक्सपियर के वर्क भी सारे ओरिजिनल नहीं थे, उनकी जो सेंटिटी है वो मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि शेक्सपियर ने सब कुछ कर दिया. एमर्जेंस ऑफ क्रिटिकल थ्योरी लीडिंग टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन अडेप्टेशन. तो क्रिटिकल थ्योरी में फिर अडेप्टेशन में इंटरेस्ट तो होगा ही, आपको पता है मर्ज, क्योंकि अडेप्टेशन के ऊपर ही सभी स्कॉलर्स लिख रहे हैं. चलो तो कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता चल गई वीडियो के बारे में, टॉपिक के बारे में. कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या वेबसाइट पे जाइए amanpathshala.com. वहां पे एमए इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी से एसोसिएटेड सारी वीडियो, सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, जाके आप देख सकते हो. लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में गिवन है. और अगर फिर भी कोई डाउट हुआ, कुछ ना समझ आए, तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट करके मैसेज करके पूछ सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.